हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम आपको अमृतसर के फेमस स्टफ़ भटूरे खिलाने लाए हैं, जो कि सुरजीत भटूरे चने वाले हैं। बहुत ही फेमस हैं अमृतसर में, और इनके प्लेन भटूरे तो फेमस हैं ही हैं, साथ में जो इनके आलू वाले फिलिंग वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस हैं। तो साथ में ये अपनी अमृतसरी न्यूट्री भी बनाते हैं, अमृतसरी कुलचे भी देते हैं, और इनके जो अपने न्यूट्री चावल हैं वो भी बहुत ही यूनिक तरीके से बनाते हैं और फेमस हैं। तो चलिए गाइस, करते हैं ओनर से बात। उससे पहले लोकेशन आप चेक कर लीजिए। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये अपने जीटी रोड है, और ये अपने अमृतसर रेलवे स्टेशन से अटारी बाघा बॉर्डर की तरफ जाती है। तो जब आप अपने रेलवे वर्कशॉप के बाहर पहुंचोगे तो बिल्कुल साथ में भैया की कार्ट लगी हुई है, तो काफ़ी फेमस है अपने भटूरे चने के लिए। तो चलिए गाइस, करते हैं बात। दोस्तों हमारे साथ है सुरजीत जी। तो नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते जी, और सुनाओ जी। सर जी, अपने हमने सुना है आपके स्टफ भटूरे जो है, हाँ जी, बड़े ही फेमस है। तो सबसे पहले बताइए भी कैसे तैयार करते हो भटूरे। ये आलू वाले होते सर। अच्छा जी, इसमें जीरा, अजवैन, काली मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च भी, कसूरी मेथी वगैरह सब सारा कुछ पाके तैयार करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फेमस है। हाँ जी हाँ जी। और साथ में आप प्लेन भटूरे भी बनाते हैं। हाँ जी, प्लेन में आलू वाले भी। ठीक है, हमने सुना है सर जो आप जो चने देते हैं, हाँ जी, बड़े ही यूनिक है, यानी कि पालक वाले चने। पालक वाले तड़का लगा ये देता नहीं है। नहीं, तो कैसे तैयार करते हो चने? हम चने तैयार करते प्याज पालक तड़का लगा के लहसुन डाल के। अच्छा, लहसुन डाल के सारा फ्राई करके उसमें पालक भी डालते हैं। पालक भी डालते, तो उससे तो काफ़ी टेस्ट बढ़िया हो जाता है। तो सुरजीत जी, क्या लोकेशन है अपनी? अपनी लोकेशन है पुतली का रेलवे वर्कशॉप के बाहर। अच्छा, रेलवे वर्कशॉप जो है उसके बिल्कुल बाहर बार बार लगाते हो। हाँ जी हाँ। तो सर कितने बजे आ जाते हो यहाँ पर? हम 11 बजे आ जाते हैं। 11 बजे आ जाते, 11 से लेके 5 तक। और अपनी न्यूट्री के बारे में बताइए। हाँ जी, न्यूट्री भी ऐसी बनती जैसे चने बनाते हैं वैसे पूरा तड़का लगता वैसे सेम है। और साथ में अमृतसरी कुलचे देते हैं। हाँ, अमृतसरी कुलचे। तो ठीक है, अपने सुरजीत जी दिखाए क्या क्या आपने बनाया। सर ये है अपने चने। हाँ जी हाँ जी सर, ये हमारे बाकी मैं देख रहा हूँ बड़े काफ़ी मतलब थिक चने हैं, काफ़ी ग्रेवी अच्छी बनी हुई है। तो अच्छा, इसमें आपने एक तो गर्म मसाले डाले हुए हैं, एक पालक डाली हुई है। हाँ जी हाँ जी, गर्म मसाले अपने तैयार किए होते हैं हमने। अच्छा, ये अपने तैयार किए हैं, कोई बाजार से नहीं? बाजार से लेके आते हैं, इसको फ्राई करके फिर बनते हैं। वाकई में दोस्तों, यहाँ पर वाकई में अदरक लहसुन की काफ़ी यहाँ पर फ्रेगनेंस आ रही है। हाँ जी, तो बहुत ही बढ़िया। और साथ में पनीर वगैरह भी देते हैं। हाँ जी, पनीर देते हैं। ठीक है, ये पनीर के पीस भी आप भैया ने डाले हुए हैं जी। हाँ जी। तो सुरजीत जी, ये है अपनी अमृतसरी न्यूट्री। हाँ जी, अमृतसरी न्यूट्री। तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी वेजेज वगैरह आपने डाली हुई है इसमें। तो ये भी मतलब सेम जैसे ग्रेवी तैयार होती है अपने चने की, वैसे तैयार करते हो? सेम ही होती है। और आपके हमने सुना है वो जो चावल है, चावल न्यूट्री बहुत ही फेमस है ना? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो गाइस, तो चलिए अपने सुरजीत जी अपने भटूरे वगैरह दिखाओ। सर ये है अपने भटूरे, ये स्टफ वाले हैं, और ये आपने सिंपल रखे हुए हैं। सिंपल तो बिल्कुल मैदे को जैसे आप खमीर लगाते होंगे तो आपने मतलब फ्राई कर लेने हैं। तो ये है फिलिंग वाले। वाकई में इसमें मुझे हरा धनिया बाहर से नज़र आ रहा है, मतलब तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो ठीक है सुरजीत जी, हमारे लिए प्लेट तैयार कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अच्छा, तवे के ऊपर इसको सेक लेंगे। सेक करके अच्छी तरह से गर्म करके। ठीक है जी। तो ये जी गर्म हो रहे हैं जी हमारे भटूरे, इसी तरह गर्म हो गए सर। ठीक है, हमारी प्लेट भी तैयार हो गई है। ये पुदीने वाली चटनी थी सर? चटनी पुदीने वाली नाल प्याज, साथ में प्याज दिए हैं। क्या बात है जी। तो ये अब चने डलने वाले हैं जी हमारे, चने आ गए जी, पालक वाले चने हैं दोस्तों इनके, और खुशबू अरोमा बहुत ही बढ़िया आ रहा है यहाँ पर। ये पनीर का पीस भी आ गया हमारा, और ये भटूरे आ गए। भटूरे का साइज भी काफ़ी बड़ा है ना सर? तो सुरजीत जी, क्या कॉस्ट रखी है आपने प्लेट की? पनीर डाल के 40 सादे आलू वाले पैंतीस। ये टोटल मतलब 40 रुपये की है। तो गाइस ये देखिए 40 रुपये की प्लेट है, तो और खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। तो चलिए आपको टेस्ट करके बता ही देते हैं। तो दोस्तों कर दिए जी भैया ने प्लेट तैयार। सबसे पहले भटूरा चेक कीजिए, ये देखिए कितना बड़ा साइज है भटूरे का। दो भटूरे हैं, साथ में चने और पुदीने वाली चटनी और प्याज, और साथ में भैया ने जो पनीर है वो डाला हुआ है। तो खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है, अरोमा बहुत ही बढ़िया आ रहा है। भैया बता रहे थे हम खुद के मसाले लेके, रॉ मटेरियल लेके पिसवा के वो हम यूज़ करते हैं, तभी टेस्ट जो है बढ़िया आता है। तो चलिए पहले चने बताते हैं आपको, पालक वाले चने। वैसे कोई पालक वाले चने नहीं बनाता भटूरे के साथ, ये भैया ही बनाते हैं, और टेस्ट लाजवाब टेस्ट आया जी।
जो चने हैं बिल्कुल गले हुए हैं। तो चलिए गाइस लेते हैं जी बाइट। बिल्कुल अंदर से गर्म है भटूरा और फीलिंग बहुत बढ़िया, आलू की खुशबू आई है जब तोड़ा मैंने भटूरा। में दोस्तों फीलिंग का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आया है इसमें। जवैन जीरा कसूरी मेथी भैया ने अच्छी तरह डाली हुई है और बहुत ही बढ़िया, और चने का तो वाकई में टेस्ट बहुत बढ़िया है। तो चलिए एक बाइट और लेते हैं, साथ में लगाते हैं इनका पनीर जो सॉफ्ट पनीर है। तो ये पनीर का पीस मैंने लगाया साथ में, ये लगा लिया पनीर का पीस और लगाते हैं साथ में पुदीने वाली चटनी। टू गुड दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, वाकई में पनीर से तो और बढ़िया टेस्ट आया है। सो गाइस काफ़ी फेमस है सुरजीत जी अपने भटूरे चने के लिए, आप प्लेन भी खा सकते हो और फिलिंग वाले भी इनके पास आकर ले सकते हो। तो सो गाइस अपने छोटे भाई को ऐसे अपना प्यार देते रहिए और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए।